नमन। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आए तो हम वेट नहीं करेंगे। हम कौन से क्वेश्चन पे थे? सिक्स क्वेश्चन? नहीं, सिक्स तो कर लिया था हम। इलेवेंथ क्वेश्चन पे थे बच्चों हम। देखो जरा क्या है इलेवेंथ क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व सिक्स वाई इज इक्वल टू, सिक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब है। हाँ सर। ओके, पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है बच्चों। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट। मान लो ये कर्व कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट शेप नहीं है इसकी, बस ये समझाने के लिए है। पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व दिस। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट फाइंड करना है एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, देखो वाई कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज होता है वो होता है डीवाई बाई डी एक्स। वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग मतलब डीवाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है? कैमरा किस किसका ऑफ है? दिवेश है क्या इधर? दिवेश नहीं है तो ये एक बच्चा कौन है? अच्छा ये बच्चा मैं हूँ जिसका कैमरा ऑफ है। दिवेश क्यों नहीं है? दिवेश पिछली क्लास में था क्या? हाँ सर। डी वाई बाई डी एक्स इज एट टाइम इंटू, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा बच्चों ये। डी वाई बाई डी टी इट्स इक्वल टू एट टाइम इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वाई कोऑर्डिनेट किस रेट से चेंज हो रहा है, एट टाइम इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो गिवन है हमें। हमें कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि ये अगर कर्व पे पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, एक्स वाई फाइंड करने हैं। क्या करेंगे? हमारे पास तो ये कर्व है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सिक्स इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे एक्स क्यूब के डेरिवेटिव को? थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स बाई डी टी। कॉन्स्टेंट टू का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एट टाइम ऑफ डी एक्स बाई डी टी। इसको हम यूज करेंगे तो सिक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी के जगह लिख सकते हैं एट इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। दिस इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी को हम बहुत साइड कट कर सकते हैं। ठीक है, थ्री से हम सिक्स को कट कर सकते हैं टू, सो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्सटीन। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्सटीन को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्या आएगा? प्लस माइनस फोर। राइट, एक्स हमारा प्लस माइनस फोर आ गया और अभी हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, वाई कोऑर्डिनेट और फाइंड करना होगा। अब ये पॉइंट कहाँ पर है? ये पॉइंट कर्व के ऊपर है, इसलिए कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें हम एक्स को फोर डाल देते हैं इक्वेशन वन में, वाई वन। इफ एक्स इज इक्वल टू फोर तो सिक्स वाई इज इक्वल टू फोर क्यूब प्लस टू। इक्वेशन वन में हमने एक्स को फोर डाला सो सिक्स वाई इज इक्वल टू सिक्सटी फोर प्लस टू।
ठीक है, 6y क्या आ गया 66, एंड यहाँ से y आपका 11 आ गया, तो पॉइंट आपका क्या बन गया 4,11। कर्व के ऊपर ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 8 टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ऑल्सो बच्चों, x को 4 डाला था, x की वैल्यू -4 भी थी, x को अगर -4 डालेंगे तो क्या होगा, 6y इज इक्वल टू x³ + 2। 6y इज इक्वल टू x³, यानी कि -4³ + 2, तो यहां से आया हमारे पास 6y इज इक्वल टू -64 + 2। ठीक है, 6y इज इक्वल टू -62/2, दैट गिव्स यू y इज इक्वल टू /6, ये 6 सेट आउट, y इज इक्वल टू -31/3, तो पॉइंट्स क्या बन गया -4, -31/3, ये पॉइंट आ जाएगा। ये समझ आया क्या आपको? बच्चों समझ आया क्या आपको? हाँ सर। यस सर। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो जरा। रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.5 cm/s। एयर बबल का शेप क्या होगा? स्फेरिकल शेप होगा। रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.5 cm/s। बच्चों रेडियस चेंज हो रहा है, अनिरुद्ध रेडियस चेंज हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? dr/dt, दैट इज 0.5 cm/s। ठीक है, रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है, 0.5 cm/s। पर सेकेंड से हमें क्या आइडिया हो रहा है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, इसलिए इसको हमने लिखा dr/dt। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग। वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा हमें वो फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? स्फेरिकल बबल है, स्फेरिकल बबल 4/3 pi r³। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल राइट इट dv/dt। क्या आएगा dv/dt? सो 4/3 pi × 3 r² dr/dt। 4/3 pi × 3 r² × dr/dt। वेरी गुड अनिल, × dr/dt। 3 को बच्चों कैंसिल कर सकते हैं, इट इज 4 pi r² × बच्चों dr/dt की वैल्यू तो हाफ गिवन है हमें, सो इट इज 2 pi r² एंड क्वेश्चन में कुछ कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि व्हेन रेडियस इज 1 cm, तो आपको dv/dt फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 1। रेडियस 1 आप यहां डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 pi। अनिरुद्ध क्या आप इसकी यूनिट बता सकते हैं? सर cm³। टाइम के रिस्पेक्ट में इसे पर सेकंड होगा, cm³/s। वॉल्यूम है इसे सेंटीमीटर होगा, क्यूब होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसे पर सेकंड होगा। नमन महोदय ने ज्वाइन कर लिया है, नमन सर। यस सर। क्या कर रहे हो आप? सर एज ऑफ करा रहा हूं। अच्छा, लास्ट क्लास में अटेंड किया था ना आपने ये? सर सैटरडे को ना,
यस सर गुड यस सर रिपीट किया आपने सर अभी थोड़ा बचा है बेटे रिपीट करना है यस सर सैटरडे संडे मेरी दूसरी क्लास थी मैं आज कर लूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कार्तिक कार्तिक हाँ सर हो रहा है बेटे यस सर समझ तो आ गया बट सर कुछ चेंज हुआ क्या 11 क्वेश्चन में सेम ही है ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन हो गया ना 12 ये 12th क्वेश्चन था हाँ समझ आ गया सर चेंज कुछ नहीं है सभी में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है 13th क्वेश्चन देखो जरा ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर बैलून बैलून भी स्फेरिकल ही होता है बच्चों रेडियस हो गया बैलून का आर ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर इसका जो डायमीटर है कितना है 3/2 2x+1 तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस विल बी दिस सो रेडियस इज 3/4 2x+1 रेडियस इज दिस अब ये इन्होंने क्या पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इसका वॉल्यूम है हम सपोज करो वी है तो हमें डीवी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डीवी अपॉन डीएक्स फाइंड करना है देखो बच्चों वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब पाई इंटू रेडियस का क्यूब रेडियस कितना है बच्चों रेडियस है 3/4 × 2x+1 इसका क्यूब रेडियस इज दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई दिस इज 27 बाई कितना हो गया बच्चों 64 इंटू इसको अलग कर देते हैं 2x+1 का होल क्यूब इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ अच्छा चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो डीवी अपॉन डीएक्स ये सब कांस्टेंट है इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ये 9 हो गया ये 4 से 16 हो गया सो इट इज 9/16 पाई हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3/2x+1 पावर आगे आ जाएगी पावर एक कम हो जाएगी पावर हो जाएगी 2 समझ गए इंटू में जो पावर के नीचे फंक्शन उसका भी डेरिवेटिव होगा तो बच्चों ये हो गया 27 और ये 2 भी है 2 से तो इसको कट कर दो ये हो गया 27/8 × 2x+1 होल स्क्वायर ये हुआ ठीक है हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आएगा बच्चों किसी अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब पर ऐसा इसमें टाइम नहीं है तो बस
सेंटीमीटर क्यूब। इसमें बेटा सेंटीमीटर वगैरह दिया नहीं, तो यूनिट क्यूब लिख दो, क्योंकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है वो यूनिट क्यूब अपॉन यूनिट, ऐसे लिख दो। ठीक है, एक्स के नीचे एक्स की जो यूनिट होगी वो आ जाएगी, और ऊपर क्या होगा जो वॉल्यूम की यूनिट है वो आएगी, यूनिट क्यूब पर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप से जो सैंड निकल रहा है वो किस रेट से निकल रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस रेट से सैंड निकल रहा है। और जो फॉलिंग सैंड है ग्राउंड के ऊपर क्या बना रहा है, एक कौन बना रहा है, जो फॉलिंग सैंड है वो ग्राउंड पे क्या बना रहा है, एक कौन की शेप बना रहा है। ठीक है, इन ए सच ए वे दैट हाइट ऑफ कौन, कौन का हाइट है सपोज एच और इसका रेडियस है, आप समझ गए ना ग्राउंड पे कौन कैसे बना रहा है फॉलिंग सैंड। हाइट ऑफ कौन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। ये कौन ऐसे ढंग से बन रहा है कि हाइट ऑफ कौन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कौन इंक्रीजिंग। हमें हाइट का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, हमें डीएच अपॉन डीटी फाइंड करना है। व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सब बच्चों को समझ आया, क्या सब बच्चों को क्वेश्चन समझ आया? यस सर। देखो बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है कौन का, 1/3 πr², दिस इज वॉल्यूम ऑफ कौन। अब बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करोगे v को टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दिया है पर सेकंड के रिस्पेक्ट में, इसलिए आप वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यहाँ पर दो वेरिएबल आए हैं एच एंड आर। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए सभी में एक एक वेरिएबल थे, ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस और हाइट दो वेरिएबल आए हैं, सो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डीवी अपॉन डीटी। तो यहाँ पर dr by dt भी आएगा और dh by dt भी आएगा। तो आप h की जगह 1/6 r लिख सकते हो क्या? हाँ, तो हमें r या h में से किसी एक को रिप्लेस करना होगा और फाइंड करना है dh अपॉन dt। तो हम ये चाहते हैं कि x h बचे, तो हम r को रिप्लेस कर देते हैं। r की वैल्यू अगर यहाँ से आप देखोगे तो r होगा 6h के इक्वल, ठीक है। सो व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr, आर की वैल्यू आप डालेंगे 6h, सो ये बिकम दिस बिकम्स 36h² आर की वैल्यू हमने 36 डाल दी, इनटू में यहाँ पर क्या है h, तो अब हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, इससे इसको कट कर दो 12 πh³, दिस इज आर वॉल्यूम। अब आप देखो वॉल्यूम में सिर्फ एक वेरिएबल है h, अब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डीवी अपॉन डीटी 12 πh³, एच क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3h² इंटू dh बाई डीटी, गॉट इट। ठीक है, सो डीवी अपॉन डीटी क्या बन गया, डीवी अपॉन डीटी इज इक्वल टू 36 πh² dh अपॉन डीटी, गॉट इट। व्हाट इज डीवी अपॉन डीटी, व्हाट इज डीवी अपॉन डीटी गिवन है क्वेश्चन में हमें
12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि कौन का वॉल्यूम उसी रेट से चेंज होगा जिस रेट से यहां से सैंड निकल रहा है। सो डीवी अपॉन डीटी के जगह मैं यूज कर रहा हूं 12 इज इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वायर इंटू डीएच अपॉन डीटी, तो ये कट हो गया, 3 आ गया। सो इट इज 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वायर इंटू डीएच अपॉन डीटी। अब क्वेश्चन में पूछा है एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सो डीएच अपॉन डीटी में एच के जगह आप क्या डाल देंगे, 4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 1 अपॉन 3 पाई इंटू एच, एच के जगह 4 डालेंगे तो 16 हो जाएगा, 1 अपॉन 48 पाई। एंड ये बच्चों हाइट का रेट ऑफ चेंज है, सेंटीमीटर होगा पर सेकंड होगा, करेक्ट। जहान पूछना है क्या सर? तो नहीं आगे समझ में कोई कार्तिके हाँ सर V by D T 12 कैसे है? DV by DT बेटा, यहाँ पाइप से जो सैंड निकल रहा है, अच्छा हाँ, क्वेश्चन में गिवन है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब निकल रहा है पर सेकंड, उस जिस हाँ, और जो फॉलिंग सैंड है वो कौन बना रहा है, हाँ, तो जितना सैंड वहां से पाइप से निकलेगा कौन का वॉल्यूम भी उतने के वॉल्यूम होगी, सेम रेट हाँ, से चेंज, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक DV upon DT से 12 बन गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉर्न इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैंड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम पाइप कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप, इसलिए वॉल्यूम को हमने उस सैंड के वॉल्यूम के इक्वल रख दिया। फिफ्टींथ क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए आइटम इज गिवन बाय, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फाइंड क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं? मुझे पता है MCA C2 minus C1 SCN minus CN minus 1 rate of change। देखो मुझे नहीं पता मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, बट मैं ये जानता हूं कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ही होता है मार्जिन कॉस्ट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट होता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पर हम डीसी अपॉन डीएक्स फाइंड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फाइंड करेंगे, रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव ऑफ जो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज मार्जिनल कॉस्ट, तो हम dc अपॉन dx फाइंड करेंगे दैट इज 0.007 x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 15, ठीक है। dc अपॉन dx ये कितना हो गया 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15, समझ आया आपको? अब ये कहता है कि आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, और मार्जिनल कॉस्ट किस कंडीशन में फाइंड करनी है, व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इसलिए x को आप 17 डाल देंगे, डाल दो
17 डालेंगे तो ये हो गया 0.021 इंटू 17 स्क्वायर 006 इंटू 17 प्लस 15, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। चलो मैं आगे, सेवेंटीन क्वेश्चन, अच्छा सिक्सटीन, नो सर। आर एक्स की आंसर है, हाँ वही हाँ, कैलकुलेट करना बेस्ट है उसको, बस लास्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। आर एक्स देखो बच्चों क्या है, आर एक्स 16 क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, और रेवेन्यू के बारे में तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो बिकॉज यू आर कॉमर्स स्टूडेंट। रेवेन्यू है आपके पास 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, ये क्या है आपका रेवेन्यू फंक्शन है। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे dr अपॉन dx, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। dr अपॉन dx क्या होता है बच्चों, रेवेन्यू का डेरिवेटिव होता है मार्जिनल रेवेन्यू। ये हो गया 26x प्लस 26, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज दिस। और आपको मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ फाइंड करना है, डी आर अपॉन डी एक्स मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो एक्स को आपको क्या डालना है, 7, 26 इंटू 7 प्लस 26, या सिंपली 26 इंटू 7 प्लस 1 8 हो जाएगा 158? 208 sir. 208 कितना? The total 208 है। हाँ sir, 208 है। 208 ठीक है बच्चों, इसमें एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, वो जो सिमिलर काइंड के ही हैं, उनको आप करेंगे अपने आप, ठीक है, नहीं आएंगे तो मुझे बताएंगे। रीज्वाइन करो बच्चों, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को।